5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और एग्जिट पोल्स सामने आने लगे हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी सरकार बनाने जा रही हैं। इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल्स के मुताबिक ममता बनर्जी की टीएमसी को 294 सीटों में से 163 से लेकर 171 तक सीटें मिल सकती हैं, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को 71 से 79 सीटें मिल सकती हैं और इसके अलावा बीजेपी को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं आज तक एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और भी बड़ी जीत दर्ज करने जा रही हैं। आज तक के पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी को 233 से 253 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं असम से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। इंडिया टीवी सी वोटर का एग्जिट पोल बीजेपी को 53 से 61 सीट दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस को सर्वे ने 37 से 45 सीटें दी हैं। आज तक के मुताबिक यहां बीजेपी 79 से 93 सीटें जीत सकती है, तो कांग्रेस को 26 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है। अब बात तमिलनाडु की करें, तमिलनाडु के लिए मिला जुला एग्जिट पोल सामने आ रहा है। आज तक एक्सिस एग्जिट पोल के मुताबिक डीएमके को 124 से 140, एआईएडीएमके को 89 से 101 सीटें, बीजेपी को 0 से 3 सीटें और अदर्स को 0 से 8 सीट मिलने का अनुमान है। इंडिया टीवी सी वोटर के मुताबिक डीएमके को 78, एआईएडीएमके को 139, बीजेपी को 0 और अदर्स को 17 सीटें मिल सकती है। केरल की अगर बात करें तो इंडिया टुडे एक्सिस एपीएम एलडीएफ को 88 से 101 सीटें, यूडीएफ को 38 से 48, जबकि बीजेपी को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं टाइम्स नाउ सी वोटर एलडीएफ को 74 से 82, यूडीएफ को 54 से 62 और एनडीए को 0 से 4 सीटें दे रहा है। सबसे आखिर में बात पुडुचेरी की करें तो इंडिया टीवी के मुताबिक यहां पर डीएमके गठबंधन को 14, एनआर कांग्रेस को 9, एआईएडीएमके को 5 और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी के टेंशन वाले दिन आ गए हैं। जी हाँ, उत्तराखंड में कुछ ठीक ठाक नहीं, लेकिन अब बहुत बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। खबर यह है कि आनंदी बेन पटेल, जो एक समय में नरेंद्र मोदी की विश्वसनीय रही हैं, उनकी कुर्सी जा सकती है। गुजरात की कुर्सी बहुत जल्दी संभाल सकते हैं नितिन पटेल। खबर यह आ रही है कि अमित शाह ने नितिन पटेल से आज मुलाकात की है और इसके साथ साथ दिल्ली और बिहार में तो हार मिली है, उत्तराखंड में जो हुआ वो सबके सामने है, लेकिन अब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी किसी कॉम्प्रोमाइज को करने के मूड में नहीं है। इसीलिए गुजरात के कदावर मंत्री और नरेंद्र मोदी के दोस्त नितिन पटेल को गुजरात की सत्ता को संभालने का दारमोदार बहुत ही जल्दी दिया जा सकता है। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि गुजरात उनके हाथ से जाए, क्योंकि हाल ही में निकाय चुनाव में बहुत दुर्गति हुई थी। इसलिए गुजरात का अगला चेहरा भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीएम का नितिन पटेल हो सकते हैं। लंबे वक्त से संसद में अटके जीएसटी बिल पर सहमति बनने के लिए सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कांग्रेस समेत सभी पार्टियां जीएसटी बिल के पक्ष में हैं। सरकार ने लंबे वक्त से गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी बिल को संसद में पास कराने की कवायद अभी से शुरू कर दी है। मानसून सेशन से पहले सरकार सभी दलों के साथ आम सहमति बनाने में जुट गई है। इस बिल को लेकर विपक्ष संसद में भले ही अब तक रोड़ा अटकाते दिख रहा हो, लेकिन केंद्र वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया है कि कांग्रेस समेत सभी दल इस बिल पर सहमत नजर आ रहे हैं। ईच वन ऑफ द यूपीए पार्टनर्स फ्रॉम द डीएमके टू द एनसीपी आर मेकिंग स्ट्रॉन्ग नॉइजेस इन सपोर्ट। कुछ अमेंडमेंट्स दी थी उसमें, वो अमेंडमेंट्स अगर पिछले साल ही सरकार ने मान ली होती तो आज तक ये बिल पास हो गया होता। सरकार को मालूम है बिना कांग्रेस के समर्थन के राज्यसभा में जीएसटी बिल पास करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में वित्त मंत्री इस कोशिश को संसद के मॉनसून सत्र से पहले रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। पठानकोट हमले में पाकिस्तानी हाथ होने का बड़ा सबूत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुटाया है। इंडिया 24/7 के पास एनआईए की पठानकोट जांच से जुड़े अहम दस्तावेज हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पठानकोट एयरबेस हमले में पाकिस्तानी आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर और उसके बड़े भाई के खिलाफ कई महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं। एनआईए मामले की जांच के लिए पाकिस्तान जा सकती है और इससे पहले हमले में शामिल आतंकियों के बारे में ये सुराग मिला है। आतंकवादियों की फोन कॉल से हैंडलर कासीम जान और बाकी आतंकियों के खिलाफ
अहम सबूत भी मिले हैं। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने आतंकियों के सटीक मूवमेंट की पुष्टि की है। दिल्ली में ऑड इवन मुहिम के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर एक नए विवाद को हवा दे दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से जुड़े बिल का मसौदा आम लोगों के सामने पेश किया। बिल को आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पटल पर रखा जाएगा। दिल्ली को फिलहाल पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है। कानून व्यवस्था और दूसरे कई अधिकार अब तक केंद्र सरकार के पास है। केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर अरसे से केंद्र सरकार से टकराते रहे हैं। पहले केजरीवाल सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा को लेकर दिल्ली में राय शुमारी करने की बात कही थी। तो क्या इनके पास वो प्रपोजल है कि आपको जो पैसा दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो आप जनरेट कर पाएंगे? यहाँ क्या आपको इतनी सलाहियत है या आपको इतना तजुर्बा है कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर आप मांग रहे हैं तो क्या लॉ एंड ऑर्डर आप संभाल पाएंगे? इस सारी चीज़ इस बात को दर्शाती है। मुझे लगता है ये बचकानी हरकत ज़्यादा कर रहे हैं, एक मैच्योर पॉलिटिशियन के हिसाब से नहीं चल रहा। हालांकि विरोधी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि क्या दिल्ली के पास इतने संसाधन हैं, क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद दिल्ली अपना खर्च उठा पाएगी। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले के दूसरे चरण में प्रदूषण नहीं घटा है, ये बात सामने आई है दिल्ली सरकार की तरफ से सौंपी गई NGT की रिपोर्ट में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में दिल्ली सरकार ने माना है कि 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चले ऑड इवन के दूसरे चरण में दिल्ली में प्रदूषण नहीं घटा। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस दौरान प्रदूषण बढ़ने के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार माना है। दिल्ली सरकार का कहना है कि पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में फसल जलाने और उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग के कारण दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ा। ऑड इवन के दूसरे चरण का दिल्ली में विरोध हुआ था, इस दौरान लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। ऑड इवन फॉर्मूले का विरोध करने वालों का दावा था कि दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले से प्रदूषण बढ़ा है, जबकि केजरीवाल सरकार का दावा था कि ऑड इवन फॉर्मूले की वजह से ये प्रदूषण घटा है। कांग्रेस से बगावत करने वाले 9 बागी विधायक BJP में शामिल हो सकते हैं। ये सभी विधायक दिल्ली में हैं और ये BJP अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। अब तक BJP में शामिल होने से इनकार करने वाले इन विधायकों ने आखिरकार BJP में शामिल होने का फैसला कर लिया है। BJP अध्यक्ष के साथ मुलाकात के दौरान इसका ऐलान हो सकता है। हरीश रावत के खिलाफ इन विधायकों की बगावत के बाद ही उत्तराखंड में राजनीतिक संकट शुरू हो गया था। हालांकि बाद में 9 बागी विधायकों की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान इन बागी विधायकों को वोट डालने की मंजूरी नहीं दी थी। कांग्रेस के बागी विधायकों ने BJP में शामिल होने के लिए किसी तरह की शर्त नहीं रखी है। विधायकों का कहना है कि विधानसभा चुनावों में वो BJP की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। गुजरात के जामनगर से BJP सांसद पूनमबेन मदाम आज एक 7 फुट गहरे नाले में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। पूनमबेन मदाम जामनगर के अतिक्रमण हटाने की मुहिम के दौरान लोगों से बात करने पहुंची थी। वो नगर निगम के अधिकारियों और लोगों से चर्चा कर रही थी कि अचानक नाले का स्लैब टूट गया और पूनमबेन करीब 7 फीट गहरे नाले में जा गिरी। नाले में गिरने से पूनमबेन बुरी तरह से जख्मी हो गई हैं। उनके सिर और पैर पर चोटें आई हैं। लोगों ने मिलकर उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया। पूनमबेन मदाम 2014 में BJP के टिकट पर पहली बार सांसद बनी। उनके पिता खम्बलिया से 4 बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। चाचा विक्रम मदाम जामनगर के पूर्व सांसद हैं। पिछले साल पूनमबेन मदाम उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब जामनगर में एक कार्यक्रम के दौरान पूनमबेन ने नोट उड़ाए थे और डांस किया था। उद्योगपति विजय माल्या ने भारत वापस आने के लिए 2 शर्तें रखी है। विजय माल्या ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूनाइटेड बेवरेज के बोर्ड को कहा है कि वो तभी भारत आने के लिए तैयार होंगे जब उनकी आज़ादी बरकरार रहे और पूरी सुरक्षा मिले। माल्या ने ये भी कहा कि वो पूरा कर्ज चुकाने के लिए भी तैयार हैं। इसके लिए बैंकों से उनकी बातचीत भी हो रही है। सरकार ने कहा है कि माल्या की वापसी के लिए वो सभी विकल्पों पर विचार करेगी। There are 2 separate procedures. One is deportation, the other is extradition. United Kingdom in deportation has conventionally never been there. They don't then deport the person.
then they expect you to go through the extradition process. 17 बैंकों के 9000 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार विजय माल्या 2 मार्च को भारत छोड़कर इंग्लैंड चले गए थे। मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है। विजय माल्या ने बैंकों से सेटलमेंट के लिए कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में 6868 करोड़ का बैंकों को ऑफर दिया था, जिसे बैंकों ने ठुकरा दिया था। बिहार सरकार ने सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के 3 दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी। पटना में जनता दरबार के बाद राजदेव रंजन की हत्या की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान किया। आप बता दीजिए कि कोई बचकर कहां जाएगा, बचकर कहां जाएगा, कितने दिनों तक बचेगा? अब तो हम सीबीआई को ही दे देंगे, अब जिसका भी हो। राजदेव रंजन की हत्या के विरोध में आज भी विरोध प्रदर्शन हुआ। सत्ताधारी आरजेडी ने सीवान के जेपी चौक पर धरना देकर हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है, तो वहीं जेडीयू नेता शरद यादव ने आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का बचाव किया है। जब तक पूरी जांच ना हो जाए तब तक किसी का नाम लेने का राजनीतिक आदमी के लिए ठीक नहीं है। एक हिंदी अखबार के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की हत्या 13 मई की शाम को की गई थी। राजदेव रंजन को पहले भी धमकियां मिल चुकी थी। रंजन की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में गुंडागर्दी की एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है। पहले बदमाशों ने सरेआम एक युवक का अपहरण किया और उसके बाद में उसकी हत्या करके शव को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में फेंक दिया। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। लाल गोले में एक शख्स एक दूसरे शख्स के बालों को पकड़े हुए और पीछे से एक दो लोग बीच बीच में इसे पीटते हुए दिखते हैं। आसपास पूरा मजमा लगा हुआ है, लोग तमाशा देख रहे हैं। कुछ लोग अपना फोन निकालकर इसका वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई इन गुंडों को रोकने की कोशिश नहीं करता। वो आदमी चिल्ला रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। लेकिन भीड़ की ये चुप्पी तब और खतरनाक हो जाती है जब इस घटना का अंजाम पता चलता है। जिस शख्स को भरी भीड़ के सामने ये गुंडे उठाकर ले गए, उसकी लाश मिली है। थाने में एफआईआर कॉपी है, अभी तक कोई कार्रवाई कुछ नहीं है। अभी तक लोग पकड़े हैं, उनके पास बैठा रखे अंदर, उनसे कोई कार्रवाई नहीं है। अगर ये टाइम से पकड़े तो लड़का हमारा जिंदा मिल जाता। मामला ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र का है। अगवा किए गए युवक का शव गाजियाबाद के लोनी इलाके में मिला है। हरियाणा के सोनीपत में पंचायत चुनाव के दौरान वोट न देने पर भारतीय सेना के एक जवान के पिता और भाई की हत्या कर दी गई। जिस शख्स का बेटा और भाई देश की हिफाजत कर रहा है, उसे दिन दहाड़े गुंडों ने गोलियों से भून दिया। वो भी बस इसलिए क्योंकि पंचायत चुनाव में दोनों ने वोट नहीं दिया। मामला सोनीपत के करबेड़ी गाँव का है। 12 मई को गाँव के जगवीर चिंकारा और उसके बेटे अनिल को घर आते समय गाँव के ही एक गुंडे ने मार दिया, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो सोनीपत से गांव की तरफ आते हुए रास्ते में उनको बहुत ही सूझबूझ और पूरी प्लानिंग के साथ मतलब ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कि उनको पहले जो बदमाश थे वो सारे कार में थे, जिन्होंने पहले बाइक को हिट किया, जिससे कि दोनों बहुत बुरी तरीके से सड़क से नीचे गिर गए और फिर बाहर निकल के उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने देश के अंदर रहते हुए जहाँ पे हमें पता है कि अच्छा ये गली यहाँ जाती है, ये रोड यहाँ जाती है, ये लोग यहाँ पर है, वहाँ पे हमें 72 घंटे से ऊपर हो चुके हैं अभी इस कांड को हुए और अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। जगबीर चिंकारा और उसके बेटे की हत्या का आरोप गाँव के बदमाश अजय चिंकारा उर्फ कन्नू पर है। आरोप है कि अजय चिंकारा ने जगबीर चिंकारा और उसके बेटे की हत्या से पहले 2 और लड़कों पर गोली चलाई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक प्रेमी को पुलिस वाले की बेटी से प्यार करना महंगा पड़ गया। लड़की के भाई ने अपने पिता के सामने ही प्रेमी लड़के की जमकर पिटाई की। मामला ग्वालियर के फूलबाग का है, जहां एक प्रेमी जोड़ा बाइक पर घूम रहा था कि तभी प्रेमिका के भाई की नजर उन दोनों पे पड़ गई। लड़की के भाई और उसके दोस्त ने प्रेमी की बाइक रुकवाई, फिर दोनों को धमकाया। इतना ही नहीं, लड़की के भाई को गुस्सा इस कदर आया कि उसने प्रेमी लड़के की जमकर पिटाई कर डाली। प्यार का भूत उतारने के लिए मजनू को करीब आधे घंटे तक पीटा गया।
हैरानी की बात यह है कि जब लड़के की पिटाई हो रही थी तब पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए, लेकिन लड़के को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज विधायक मनोरमा देवी पर सवाल पूछा गया, वे भड़क गए। पत्रकार ने फरार चल रही मनोरमा देवी पर सवाल किया तो नीतीश नाराज हो गए। राहत मिल रही है कि आप कोई रास्ता बताइए, कहिए हम आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दें। ना ना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दें, आपको अगर जानकारी हो प्लीज कि कहां छिपी हुई हो तो आप दीजिएगा, तो हम लोग आपको पुलिस डे के दिन आपको सबसे बड़ा रिवार्ड हम लोग देंगे। आज कोर्ट रॉकी की मां और फरार विधायक मनोरमा देवी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। कोर्ट ने मनोरमा देवी को गिरफ्तारी से राहत नहीं दी है। पुलिस ने केस डायरी मांगी है, अगली सुनवाई 19 मई को होगी। वहीं आदित्य मर्डर केस में आज एक और आरोपी टेनी यादव ने कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने टेनी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। टेनी को मुख्य आरोपी रॉकी यादव का रिश्तेदार बताया जा रहा है। आदित्य की हत्या के वक्त टेनी रॉकी के साथ गाड़ी में था। आपने सरेंडर करा दिया है, उनको कोर्ट ने जुडिशियल रिमांड पर कस्टडी पर 15 दिन के। 7 मई को 19 साल के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और आरोप जेडीयू विधायक मनोरमा देवी की बेटी रॉकी पर। मनोरमा देवी पर घर में अवैध रूप से शराब रखने का भी आरोप। सरकार लाइलाज हो चुके इथियोपिया के मरीजों को इच्छा मृत्यु देने की तैयारी में है। केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय अब कानून बनाने के लिए मसौदा तैयार कर रहे हैं, यानी एक ऐसा विधेयक लाया जाएगा जिसमें पैसिव यूथनेशिया के मरीजों को इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाएगी। इसमें मरीजों को मेडिकल ट्रीटमेंट या इलाज बंद करने का अधिकार होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर टर्मिनली इल पेशेंट बिल रखा गया है, जिस पर लोग 19 जून 2016 से पहले कमेंट करके या ईमेल लिखकर अपनी राय दे सकते हैं। इससे पहले कई समाज सेवी संस्थाएं इथियोपिया के मरीजों को इच्छा मृत्यु का हक देने को लेकर सरकारों से बातचीत करते रहे हैं। भिंड के वीरेंद्र नगर में शनिवार को हुए 4 नाबालिग बच्चों समेत एक महिला की बर्बर हत्या के मामले में पुलिस के खुलासे पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि टीचर के महिला से अवैध संबंध थे। अवैध संबंध का खुलासा होने पर टीचर ने एक कर सबकी हत्या कर दी। विरोध करने पर महिला की भी हत्या कर दी गई, लेकिन घर वालों को पुलिस की इस थ्योरी पर भरोसा नहीं है। उधर पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। लेकिन यह शंका का विषय है, हम सब लोग आज विप्र समाज का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था यहाँ पर और पूरे समाज ने मिलकर यह चर्चा की कैसे एक आदमी इतने लोगों 5 लोगों को रेत रेत के मार सकता है, काट सकता है। तो हम सब लोगों ने अपनी शंका जाहिर की, एसपी साहब से यहाँ पर मिले, हमारे साथ में पूरा प्रतिनिधिमंडल पूरे जिले के और संभाग के और वरिष्ठ लोग यहाँ पर थे, ब्राह्मण समाज से लोग थे। दरअसल पुलिस भले ही इस पूरे मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस नहीं दे पा रही है। आध्यात्मिक गुरु और संत निरंकारी मिशन के बाबा हरदेव सिंह का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया गया। बाबा हरदेव सिंह के पार्थिव शरीर को श्रद्धालुओं के अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली के बुराड़ी रोड पर ग्राउंड नंबर 8 में रखा गया है। मंगलवार रात तक उन्हें यहां श्रद्धालु देख सकते हैं। बुधवार को दोपहर 12 बजे निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी इस ग्राउंड में इसे हम ग्राउंड नंबर 8 कहते हैं, ये भक्तों के अंतिम दर्शन के लिए ये रखे गए हैं और ये सिलसिला परसों सुबह तक बुधवार सुबह तक चलता रहेगा और बुधवार को यहीं से अंतिम यात्रा शुरू होगी और निगम बोध घाट के सीएनजी क्रीमेटोरियम पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुक्रवार को कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। हादसे में बाबा के दामाद अवनीत सेतिया की भी मौत हो गई थी। संत हरदेव बाबा के निधन के बाद उनके अनुयायियों में शोक की लहर है। ऋषिकेश में पारा 37 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में चार धाम यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सूरज की तपिश से पूरा उत्तर भारत परेशान है, वही पहाड़ों पर भी बढ़ते पारे का असर दिख रहा है। मई का महीना है और सुबह से ही चार धाम यात्रा पर निकले तीर्थ यात्रियों को ऋषिकेश में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। सुविधाओं के अभाव के चलते तीर्थ यात्रियों का पल पल भारी गुजर रहा है। बैठने के लिए ना ही टीन शेड की व्यवस्था है,
पीने के लिए पानी की भी सुविधा नहीं है, न ही गर्मी से थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए पंखों का इंतजाम है। यात्रियों के लिए यहां पर कोई सुविधा नहीं है, यात्री सुबह से परेशान है, भूखे मर रहे हैं, पानी तक की कोई सुविधा नहीं है। क्या इस सरकार का क्या मैनेजमेंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पब्लिक बाहर से आई है उनके लिए यथासंभव जरा मदद करें, और बुजुर्ग जो हमारे जैसे सीनियर सिटीजन भी हैं तो उनके लिए काफ़ी जरा दिक्कत आ रही है, तो जरा वो परेशानी समझ के जरा हेल्प करें। पहाड़ों पर लगातार पारा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में चार धाम यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के लिए अगर इंतजाम नहीं किए गए तो उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। नेपाल में नए संविधान को लेकर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मधेशी समुदाय के लोग नए संविधान के विरोध में सड़कों पर उतर आए। पूरे नेपाल में मधेशी जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। मधेशियों का कहना है कि नए संविधान में उन्हें कम अधिकार मिला है, साथ ही मधेशी उच्च प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की शिकायत भी कर रहे हैं। नेपाल के प्रांतों की सीमा निर्धारण से भी मधेशी समुदाय में नाराजगी है। मधेशियों के प्रदर्शन के कारण नेपाल के मुख्य प्रशासनिक इलाके सिंह दरबार के आसपास घंटों जाम रहा। प्रदर्शन कर रहे मधेशियों ने जबरन प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। नेपाल में मधेशी समुदाय के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले भी मधेशी समुदाय इस नए संविधान के विरोध में प्रदर्शन कर चुका है। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और मलाइका अरोड़ा की वजह से नेपाल की सेना विवादों में आ गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि आर्मी के कई टॉप अफसर और जनरल वर्दी में इन दोनों बॉलीवुड एक्ट्रेस को इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेने पहुंचे। इसे आर्मी की इमेज से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार को कई शिकायतें भी मिली हैं। नेपाल पीएम ऑफिस ने होम मिनिस्ट्री से सफाई मांगी है, वहीं नेपाल आर्मी ने इसे सामान्य बात बताया है। दरअसल सोनाक्षी और मलाइका एक चैरिटी शो आम्रपंक्षी में शामिल होने के लिए काठमांडू पहुंची थी। ये शो पिछले साल आए भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए किया गया था। इसे नेपाल आर्मी वाइव्स एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया था। बताया जा रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की हेड आर्मी चीफ जनरल राजेंद्र छेत्री की वाइफ हैं।